हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज अपन बनाने जा रहे हैं सांभर बड़ी। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर 1 पाई तेल डाल देंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद पीसे हुए छोले डाल देंगे, सेके हुए बारीक पीसे हुए छोले डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आधी चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे, आधी चम्मच धनिया डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे 1 कटोरी और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 कटोरी में खाली कर लेंगे। आप देख सकते हैं कटोरी को साइड में रख देंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर 2 कटोरी मैदा डाल देंगे। आधी चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चुटकी सोडा डाल देंगे, आधा पाई तेल डाल देंगे, आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। हाथ से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और अच्छे से आटा मान लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, फिर से थोड़ा पानी डाल लेंगे और अच्छे से आटा मान लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से मन चुका है। आटे की जरा 5-6 मिनट अच्छे से मालिश कर लेंगे। आटे की अच्छे से मालिश करने के बाद आटे को साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आटे को फरसे पे डाल लेंगे और आटे को अच्छा गोल गोल करके लंबा करते रहेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से गोल गोल कर लेंगे आटे को और चाकू की मदद से लोई काट लेंगे आटे की। सारी लोई को काटने के बाद लोई को साइड में रख देंगे। एक लोई को अच्छे से गोल गोल कर लेंगे, परोथन लगा लेंगे और अच्छे से बेल लेंगे लोई को। पूरी की साइड में बेल लेना है गोल गोल, आराम आराम से बेलेंगे, अच्छे से बेलते रहेंगे। और आप देख सकते हो हमने अच्छे से बेल लिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच मसाला डाल देंगे छोले का। मसाला डालने के बाद एक साइड से फोल्ड कर देंगे, फिर बाजू से फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद नीचे से एक बार ऊपर रख देंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे। फिर वाली किनारे पे पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद सबको अच्छे से गोल गोल कर लेंगे। हाथ से अच्छे से गोल दबा लेना है और अच्छे से गोल गोल कर लेना है। अच्छे से गोल गोल करने के बाद आपको ऐसे ही सारी सांभर बड़ी बना लेना है। आप देख सकते हैं सारी सांभर बड़ी बना ली है। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर 1 गिलास तेल डाल देंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद सांभर बड़ी डाल देंगे तेल के अंदर। सांभर बड़ी डालने के बाद लो फ्लेम पे अच्छे तल लेंगे। सांभर बड़ी को एक बार अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से हिलाने के बाद पलटाते जाएंगे सांभर बड़ी को एक एक करके और अच्छे से हिलाते रहेंगे लो फ्लेम पे। फिर से एक बार सांभर बड़ी को पलटा देंगे और आप देख सकते हैं सांभर बड़ी में कलर आना स्टार्ट हो चुका है। सांभर बड़ी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हिलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं सांभर बड़ी अच्छे से हो चुकी है। सांभर बड़ी को एक बार अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से हिलाने के बाद सांभर बड़ी को प्लेट में खाली कर लेंगे। प्लेट में खाली करने के बाद ऐसे ही आपको सारी सांभर बड़ी तल लेना है और आप देख सकते हैं मैं सांभर बड़ी बन के तल चुकी है। खाने में एकदम चटपटी टेस्टी बनी है।